नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों की समस्या आम बात है। आए दिन जमीन से जुड़े विवाद परिवार के बीच कलह का कारण बनते हैं, साथ ही कई बार कई लोगों की जान भी जमीन से जुड़े मामलों के कारण चली जाती है। हालांकि बिहार सरकार जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई नजर आ रही है। इसी बीच बिहार में भूमि विवाद से जुड़े मामलों में हो रही बढ़ोतरी, साथ ही मामलों में हो रही बढ़ोतरी के कारण हताहत होने के मामलों को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक और कदम बढ़ाया है, जिसके तहत अब संवेदनशील जमीनी मामलों का ट्रायल आपराधिक मामलों के तर्ज पर स्पीडी तौर पर करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी और सूचीबद्ध मामलों में अदालत से जल्द फैसला देने का अनुरोध किया जाएगा। आपको बता दें, सरकार ने जान लेने, बलवा आदि मामलों की समीक्षा में पाया था कि अधिकतर घटनाओं के पीछे जमीन विवाद है। इसी को ध्यान में रखते हुए भूमि विवाद का जमीनी स्तर पर पता लगाने के लिए 534 अंचलों में तैनात चौकीदारों की जिम्मेदारी तय की गई थी। ऐसा भूमि विवाद है जिसके कारण हिंसा हो सकती है, शांति व्यवस्था को खतरा है। गांव में जमीन का विवाद कौन कौन है और किन किन के बीच में चल रहा है, उसकी लिखित सूचना अंचलाधिकारी को देनी होती है, जिसके बाद अब राजस्व विभाग ने खास तैयारी कर ली है, जिसके तहत स्पीडी ट्रायल के योग्य विवादों की अब पहचान की जाएगी और राज्य भर में एक बार फिर आंकड़ों को जुटाया जाएगा। इसके साथ ही विभाग की ये भी कोशिश है कि अब बिहार में DCLR की मनमानियों पर अंकुश लगाया जाए। इसको रोकने के लिए ADM की कोर्ट को भी ऑनलाइन करने की तैयारी हो रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो फिलहाल बिहार में जमीन से जुड़े करीब 10,000 ऐसे मामलों को चिन्हित किया गया है जो कानून व्यवस्था के लिए आने वाले समय में खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपको और हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो बात जमीन जायदाद की आती है तो कौन अपना कौन पराया, इस बात का अंतर लोग भूल जाते हैं। कई बार मामले इतने ज्यादा संगीन हो जाते हैं कि बात दुश्मनी से जान से हाथ धोने तक कब पहुंच जाए ये कहना मुश्किल होता है। यही कारण है कि राजस्व विभाग फिलहाल बेहद ही अति संवेदनशील मामलों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। इस बाबत चौकीदार और थाना की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर मामलों को चिन्हित किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस काम में सभी DM की भी मदद ली जाएगी। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव ने सभी DM को एक पत्र जारी किया है और लिखा है कि बिहार में ऐसे मामले जो ज्यादा गंभीर है उन पर विशेष कार्रवाई की जाए। इसको लेकर सरकार ने नई योजना भी बनाई है, जिसके तहत भूमि से जुड़े विवादों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके तहत अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर पर आने वाले मामलों की छटनी सबसे पहले की जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही व्यक्तिगत भूमि विवाद, कोर्ट केस और विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विवाद अलग अलग श्रेणी में रखे जा रहे हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार भूमि विवाद को स्पीडी ट्रायल के श्रेणी में लाने से क्या बिहार में भूमि विवाद की संख्या में कमी आएगी या नहीं, अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।